और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप एक नए एकदम छोटे बेबी बार्ट को किस तरह से आप हैंड फीडिंग कर सकते हैं और हैंड फीडिंग किस तरह से आप बना सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है। पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे कॉमेंट किए कि हैंड फीडिंग अगर हमने ले लिया है उसका मेकिंग प्रोसेस किस तरह से उसको बनाया जाए, एक छोटे बेबी बर्ड के लिए कितना देना चाहिए, कितना उसमें मेडिसिन देना चाहिए और किस तरह से खिलाया जाए। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और ये है हमारा नया मेहमान। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एक नए बेबी बर्ड ओनर के लिए जिनको ये सब नहीं पता है, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें कमेंट किए थे कि गर्मी में अगर एक बेबी बर्ड लिया है, किसी भी तरह का अब बर्ड लिया है, उसका एज लगभग 20-30 दिन या एक महीना है, तो उसको इस समर सीजन में किस तरह से रखा जाए। तो नॉर्मली मैं हर दिन चेंज करता रहता हूँ। अगले दिन मैंने दिखाया था एक कागज का एक बॉक्स है उस पर मैंने रखा था, लेकिन गर्मी धीरे धीरे और बढ़ रहा है, गर्मी और भी ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने कल रात से मैंने इस टोकरी में इसको शिफ्ट कर दिया है। ये एक प्लास्टिक का टोकरी है और इसके चारों तरफ छेद है। अगर बर्ड इसमें रहेगा तो कोई भी एयर का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मच्छर भी इन छेदों से नहीं जा पाएगा। फिर भी मैं एक मॉस्किटो नेट है उससे मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ और कोई भी अभी मैं कोई भी बल्ब इसमें नहीं लगा रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप सबको तो पता ही है मैं कौन सा फूड मैं इस्तेमाल करता हूँ बेबी बैरट को हैंड फीडिंग करने के लिए। ये बेबी बैरट लगभग अभी आज इसका एज 30 डेज हो रहा है, दिन में मैं इसे 4 बार कभी 5 बार मैं इसको हैंड फीड करवाता हूँ। और मैं फीडिंग करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ न्यूट्रीबर्ड का A19 हैंड फीडिंग फॉर्मूला। इसके अलावा भी और एक है A21, लेकिन छोटे पैरट के लिए, छोटे स्पीसीज के लिए सबसे अच्छा है A19, क्योंकि इसमें फैट ज्यादा होता है और छोटे टाइप का पैरट के लिए फैट की क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए। बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें कमेंट किए थे कि A19 अच्छा है या A21। A21 में फैट कम होता है, ज्यादातर A21 बड़ा स्पीसीज जो पैरट टाइप है लाइक एज मकाउज कैकेटोज इस तरह का बर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो छोटे टाइप पैरट के लिए A19 हैंड फीडिंग फॉर्मूला बहुत ही बेस्ट है। जैसे कि हो गया अगर आप चाहे आप रिंगनेको या अलेक्जेंड्राइन या ग्रे पैरट, कॉकाटेल, लव बर्ड, सनकन्यूर, इन सब छोटे टाइप के पैरट के लिए A19 सबसे बढ़िया है। मैंने ले लिया है 10 ml का एक सिरिंज क्योंकि नॉर्मली ये छोटे टाइप का जो पैरट है 10 से 15 ml ये 28 से 30 दिन के एज के जो बर्ड है उनको 10 ml से 15 ml फिट किया जाता है। और अभी पीछे बहुत सारा बात कर रहा है टूटू, शायद आपको सुनाई भी दे रहा है। और यहाँ पर मैं फूड ले लेता हूँ 1 चम्मच। ठंडे पानी से कभी भी बर्ड को मत फिट कीजिए, जो खाना बर्ड के लिए आप फूड बना रहे हैं थोड़ा सा वार्म वाटर यानी थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए। 10 ml मैंने वाटर ले लिया है और यहाँ पर मैं इसको दे दिया है। इसको बहुत ही अच्छी तरह से एकदम लिक्विड करके आप इसको मिक्स कर लीजिए। फूड बनाते समय आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है इसका गाढ़ापन। अगर आप देखें ये फूड मैंने बनाया है एकदम लिक्विड यानी पानी की तरह। मैं इसके अगर मैं कटोरी में डाल दूंगा तो आपको शायद पता चलेगा कितना गाढ़ा है, ये एकदम लिक्विड की तरह। किसी भी तरह कोई भी बर्ड को आप कभी भी गाढ़ा या हार्ड फूड बेबी को कभी भी ना फीड करें। अगर वो खुद से खा सकता है, सेल्फ पे थोड़ा बहुत खा सकता है, तब आप उसको गाढ़ा दीजिए, लेकिन उससे पहले जब आप फुल हैंड फीडिंग कर रहे हैं, बर्ड फुल हैंड फीडिंग पर है, तब आप किसी भी तरह से आप उसको गाढ़ा फीड मत करें। और अभी मैं दे देता हूँ यहाँ पर 1 ड्रॉप न्यूपेप्टिन। मैं इसलिए कहता हूँ न्यूपेप्टिन मैं हर बार मैं देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में नहीं देता हूँ, 1 स्पून पे 1 ड्रॉप यानी 10 to 15 ml अगर आप फूड बनाते हैं तब आप उसमें 1 ड्रॉप दीजिए। अगर आप 2 स्पून फूड बनाते हैं तो 2 ड्रॉप
10 ml या 15 ml तक आपको एक ड्रॉप देना है। बहुत ज्यादा देखा गया है फूड बनाते समय, क्योंकि इतना कम है क्वांटिटी तो ठंडा हो जाएगा, उसलिए मैं क्या करता हूँ, ये चीज आपको भी करना है। बहुत टाइम देखा गया है कि बर्ड नहीं खाना चाहता है, फूड बनाने के बाद भी बर्ड नहीं खाना चाहता है, उसके लिए एक छोटा सा मैं ट्रिक मैं बता देता हूँ। इस तरह कटोरी में थोड़ा ज्यादा करके गर्म पानी रख लेना है, ये थोड़ा गर्म है, और इस कटोरी को जो मैंने बनाया है उसको इसके अंदर रख देना है। खाना भी गर्म रहेगा और बेबी अच्छे से भी खाएगा। अगर मैं ठंडा फूड बनाते टाइम जो फूड ठंडा हो गया है मैं अगर वो दे दूं तो बर्ड नहीं खाएगा। मैंने बहुत टाइम देखा है, बेबो के टाइम भी और फोटू के टाइम भी मैंने ये बहुत ज्यादा नोटिस किया है कि फूड ठंडा हो गया है तब बर्ड नहीं खा रहा है। तब आप उसको थोड़ा इस तरह से आप गर्म करके फूड को दोबारा से फिट करें। बेबी को फिट करवाने से पहले आपको इसका क्रॉप देख लेना है। क्रॉप इसका लगभग 80% खाली हो गया है, 80-90% खाली हो गया है। मैं इसको अभी 10 से 15 ml में फिट दूंगा। तो यहाँ पर मैंने 10 ml मैंने फूड इसमें भर लिया है, अब इसको फिट करेंगे। एक चीज आपको बहुत अच्छे से देखना है, बर्ड के लेफ्ट साइड से आपको फिट करना है। आपके राइट हैंड में रहेगा सिरिंज और बर्ड के लेफ्ट साइड पे बहुत ही अच्छी तरह से देखिए। इस तरह से आपको धीरे धीरे करके ड्रॉप ड्रॉप आपको फिट करवाना है। कभी भी आप बर्ड के राइट साइड पे फीड ना करें। और टोटो पीछे बहुत ही गाना वगैरह सब कुछ गा रहा है, क्योंकि छोटा बर्ड के जो चोंच है बहुत ही छोटा है, उसमें अगर आप 2-3 ड्रॉप देंगे तब ये पूरा भर जाएगा। आपको धीरे से करके इस तरह से दे देना है। बर्ड के अगर चोंच पे या फेदर पे किसी जगह पर अगर फूड लग जाए तब आपको वो फीड करने के बाद उसको क्लीन कर देना है। कभी भी आप जोर जबरदस्ती से उसको ना फीड करें, हर वक्त आप उसको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके फीड करें। मैं इसको भी छोड़ दे रहा हूँ, देखता हूँ ये किस तरह से खाता है, क्योंकि बेबी बहुत छोटा है, शायद फूड ठंडा हो गया। मैं धीरे धीरे इसको फीड करवाया और फूड ठंडा भी हो गया। फिर इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। किस तरह से कर रहा हूँ आप देखिए। अगर फूड ठंडा हो जाए तब आपको इसको थोड़ा टाइम के लिए 15-20 सेकंड के लिए आपको गर्म पानी में इस सीरीज को रख देना है और ये फूड गर्म हो जाएगा। ये ट्रिक जो है मैं भूटो के टाइम भी और बेबो के टाइम भी मैं इस्तेमाल किया, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला मुझे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बट पहले इतना ज़्यादा खुद से नहीं खा रहा था, जस्ट मैंने फूड को थोड़ा से दोबारा से मैंने गर्म कर लिया। अब देखिए कितने अच्छे से ये खा रहा है। घर के अंदर से चिल्ला रहा है टूटू और बाहर से भूटू और बेबू। और यहाँ पर ये पॉटी भी कर दिया है। अगर आप पॉटी देखेंगे तो पॉटी का कलर जो है एकदम ठीक है, और उसके साथ साथ जो सफ़ेद है ये बर्ड के पॉटी में रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे व्यूअर्स ने भी हमें कमेंट किए थे कि पॉटी के अंदर से वाइट निकलता है, तो पॉटी के साथ साथ हार्ड मटेरियल के साथ साथ वाइट कलर का भी कुछ निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग इसका खाना हो गया है पूरा, तो ये 10 ml नहीं खाया है, थोड़ा बहुत बच गया है। इसको अभी धीरे से साफ करना है। मैं थोड़ा सा ये उंगली में गर्म पानी लेके इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। ये अभी आवाज़ भी कर रहा है, जहाँ जहाँ पे फूड लगा है वो मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर ये फूड पंख में लग जाएगा सूख जाएगा तब फंगस वगैरह या चींटी वगैरह आ सकता है, इसलिए इसको क्लीन करना जरूरी है। तो दोस्तों पूरा डिटेल्स तो मैंने इस वीडियो में दिखा दिया है, फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।